हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके टेन सर्टिफिकेशन में। और आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की एक और नई भर्ती के अध्याचन के संबंध में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि उत्तराखंड में यहाँ पर जो है आजकल भर्तियों की जो है बाढ़ आई हुई है, और ऐसे में जो है कई भर्तियाँ आपको देखने को मिल गई होंगी, कई भर्तियाँ आगामी हैं और कई अध्याचन यहाँ पर आयोगों को मिल रहे हैं। तो ऐसे में जो है एक और नई जो है अध्याचन यहाँ पर आयोग को मिला हुआ है, और कितनी पोस्ट हैं और किस चीज़ की पोस्ट हैं सारा कुछ इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा प्लीज़ कर लेना, सामने घंटी वाला आइकन प्रेस कर लेना बना, इससे जो है अपडेट मिलते रहेंगे चैनल से। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में भर्तियों के संबंध में जो है सरकार ने यहाँ पर जो है अध्याचन आयोग को भेजा गया है, और इसमें आप देख सकते हैं 13 अगस्त 2021 को है, और जो परीक्षक हैं वो आप लोग देख सकते हैं कि अरविंद सिंह यहाँ की जो कि आप उत्तराखंड के सचिव हैं, उन्होंने यहाँ पर जो है भेजा गया है, उत्तराखंड के लोक सेवा आयोग के सचिव को यहाँ पर भेजा गया है पत्र। और इसमें यहाँ पर कहा गया है कि विजयी कि उत्तराखंड राज्य सिविल सेवा कार्यकारी शाखा के सीधी भर्ती हेतु जो है अध्याचन के संबंध में, तो यहाँ पर जो है जो उत्तराखंड में सिविल सेवा परीक्षाएं होती हैं उसके संबंध में कुछ पद यहाँ पर जो है सीधी भर्ती में जो है करने के लिए बोला गया है। और इसमें कहा गया है कि महोदय उपयुक्त कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग एक के पत्र संख्या जो कि इस तरह से लिखा है, और 13-8-2021 द्वारा जो है उत्तराखंड राज्य सिविल सेवा कार्यकारी शाखा संवर्ग के अंतर्गत जो है डिप्टी कलेक्टर के सीधी भर्ती के साधारण वेतनमान जो कि यहाँ पर लेवल 10 है, रुपया आप लोग देखते हैं 56,100 से स्टार्टिंग है, 1,70,500 के बीच में। तो इसमें जो है आगामी 2 वर्षों में जो है उपलब्ध होने वाली 10 संभावित रिक्तियों का जो है यहाँ पर अध्याचन उपलब्ध कराया गया है, इसका जो है विवरण निम्नानुसार है। तो यहाँ पर कहा गया है कि 13 अगस्त को जो है यहाँ पर जो राज्य में सिविल सेवाएं भर्ती हैं उस पर जो है यहाँ पर डिप्टी कलेक्टर के यानी कि जो SDM की पोस्ट है उन पर जो है यहाँ पर करने के लिए बोला है, और इसमें जो है 2 वर्ष में जो 10 पोस्ट रिक्त हो रहे हैं उनकी भर्ती करने के लिए आदेश जारी कर दिया गया है। और इसमें कहा गया है कि जो पदों का विवरण है वो इस तरह से है रोस्टर के अनुसार, तो अनुसूचित जाति का 1 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति का एक पोस्ट है, OBC का यहाँ पर आपका 1 पोस्ट है, आर्थिक रूप से कमजोर 1 पोस्ट है, अनारक्षित का 6 पोस्ट है, तो टोटल जो है 10 पोस्ट पर है। तो SDM की भर्ती जो है आपके यहाँ पर आएगी, और इस पर जो है टोटल 10 पोस्ट होंगे, और उपरोक्त पदों पर जो है चयन हेतु उत्तराखंड के आदिवासी महिला दिव्यांग पूर्व सैनिक को या स्वतंत्रता संग्राम सैनिक को जो आश्रित हैं उनको या अनाथ बच्चों को जो यहाँ पर समय समय पर जो जो क्षेत्रीय आरक्षण होगा वो मान्य अनुमान्य होगा, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। और उक्त पदों का चयन के संबंध में जो है अधिकतम जो आयु सीमा है वो निर्धारित कार्मिक एवं सतर्कता विभाग की अधिसूचना जो कि यहाँ पर 25/2014 और यहाँ पर जो आयु सीमा नियमावली 2014 के अनुसार है उसके अनुसार होगी, ऐसा में कहा गया है। तो ये पद भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे अब जल्दी, ठीक है ना। अध्याचन जो है लोक सेवा आयोग के पास पहुँच चुके हैं, और कभी भी इसका जो है नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है।